बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलादपुर गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 सालों से इस रोड के हालात बिगड़े हुए हैं। इस रोड पर से बड़े डंपर और ट्रेवलर निकलते रहते हैं, आए दिन हादसे होने का डर लगा रहता है। गांव की महिला ने बताया कि इस रोड को लेकर कई बार विधायक और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी और विधायक की तरफ से खाली आश्वासन ही मिलता है। रोड पर काफी गहरे गड्ढे हो चुके हैं और बरसात के समय इस रोड पर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस रोड से गुजरने वाले लोग काफी परेशानी का सामना करते हैं। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि जब बड़े डंपर यहाँ से निकलते हैं तो रोड पर पड़े हुए रोड़े उनके घरों में और लोगों पर जाग लगते हैं, जिससे लोगों को चोट भी आ चुकी है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि खनन माफिया लगातार डंपरों को यहां से निकालते रहते हैं, जिनसे रोड ज्यादातर टूटे हुए हैं। वहीं गांव के लोगों का यह भी कहना है कि इस रोड को बनाने के लिए वह सरकार तथा विधायकों का इंतजार कर रहे हैं। वह कब उनके गांव में इस रोड को बनाने के लिए आएंगे, क्योंकि जब चुनाव का समय होता है तो विधायक उनके गाँव में वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, और जब काम करने की बात होती है तो विधायक गाँव को भूल जाते हैं। कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, कौन सा गाँव है ये? डीग गांव है, डीग से पहलादपुर रोड है। पहलादपुर रोड है, रोड के हालात बिल्कुल ख़राब हैं। कितना लंबा रोड है और कितने समय से जो है ख़राब पड़ा हुआ है? ये लगभग 2 किलोमीटर का रोड है डीग से पहलादपुर के लिए, और लगभग इसको 4-5 साल हो गए इसी तरीके से ख़राब है। बहुत गंदा बुरा हाल है, ट्रैफिक चलती है, बसेज आती हैं, डंफर आते हैं, रोडे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, वो ट्रक से और उसकी वजह से उछट उछट कर लोगों के घरों में जा के लगते हैं। कई बारी हमको भी लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। मतलब कि जो रोड है वो हादसे को नौता दे रहा है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। कई दफ़े तो ऐसा होता है, लेडीज़ हैं वो स्कूटी लेके आती हैं, किंकड़ी हुई पड़ी है, नीचे ब्रेक लेती हैं, गाड़ी रुकती नहीं है, स्लिप हो जाती है, गिर जाती हैं। किसकी कमी मानते हो उसमें जो रोड नहीं बन पा रहा है? बहुत लोगों की कमी है भाई, गवर्नमेंट की भी कमी है, गवर्नमेंट ने जो बंदे छोड़ रखे हैं उनकी भी कमी है। ऐसे होते हुए सभी लोग परेशान हैं, ज़्यादातर पहलादपुर वाले हैं, क्योंकि उनका तो रोज़ का आना जाना है। और देखो रोड की हालत कितना बढ़िया रोड अब फूटे पड़े हैं। ऐसे तो भैया कहीं मिस्त्री चिनाई करे जब भी ना गेरे, कभी सरकार के जो भी कोई के कर्मचारी हैं जिसके भी अंडर ये सड़क आ रही है, जरा सा भी ध्यान ना दे। पहलादपुर और डीग बहुत परेशान है इस चीज़। कब से खराब पड़ा हुआ है रोड ये? तो भाई कोई एक बार भी ना बना जब तक नैनपाल आए हो, जब से नहीं बना बिल्कुल भी ना, कोई ठेकड़ी लगाने भी ना है बनाने की। क्या विधायक साहब के पास कभी गुहार लगाई इस रोड को लेकर? कितना लगा दी लेकिन समाधान कुछ नहीं मिला, कोई सुनवाई ना हो, कोई एक बार भी ना देखना आए भाई, देखें तो सही चल कर इतना बुरा।